अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के रशियन कबाब। कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिए विदाउट हड्डी के। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाली हूँ और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर तक के पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसका स्टॉक है, मुझे चाहिए वेजिस के लिए इसका स्टॉक। इसका फ्लेम हम फास्ट कर देंगे और इसे गलने के लिए हम रख देंगे सारा। ये गलने के बाद में इसे निकाल लेंगे, पानी जो बचेगा उसे सेव करके रखेंगे। मैं चिकन उबाल के रखे थे, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दी हूँ। इसमें मैं 1 मुट्ठी शिमला मिर्ची, 1 मुट्ठी प्याज ऐड कर दूँगी, 1 मुट्ठी गाजर, 1 मुट्ठी फ्रेंच बीन की भाजी है ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। हम ऊपर नीचे मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या डालना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही थी कि हम चिकन गलने के टाइम पे भी सॉल्ट डाले थे। और इसमें आलू जाएगा तो आलू में भी मैंने गलने में सॉल्ट डाली थी। ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड कर दूंगी। हमें ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना है, ऐसे अच्छी तरीके से हमें भूनना है। 2 मिनट तक इसे भूनूंगी, मैं आपको भून के बताती हूँ। 2 मिनट हो चुका है, जो हमने चिकन गलने में स्टॉक बचा के रखे थे ये मैं स्टॉक पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। गैस का फ्लेम हम फास्ट कर देंगे, इसका पानी सूखे तक के हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जब तक हमारी वेजेस भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। देखिए अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसी में मैं 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। ये भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें सारा चिकन ऐड कर दूंगी। ये मैंने श्रेड करके दी हूँ सारा चिकन गलने के बाद। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी, उसे ऊपर नीचे मिक्स करके आप लोगों को बताती हूँ। मीडियम साइज़ की पोटैटो है, इसमें मैंने सॉल्ट डाल के गलने के लिए रख डाली थी। अभी ये मैं सारा चिकन के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी, सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे और फिर इसके बाद अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैं मिक्स करके आप लोगों को बताती हूँ। गैस का फ्लेम स्लो है, हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, इसके बाद क्या प्रोसेस है आप लोगों को बताती हूँ। पूरा मिक्सचर रेडी है हमारा, ठंडा भी हो चुका है। हाथ में मैंने पूरा ऑयल ग्रीस कर ली हूँ। अभी हमको जैसे शेप में बनाना, मैं ओवल शेप में बनाऊँगी क्योंकि रशियन कबाब ओवल शेप में होता है, इसलिए मैं ओवल शेप में बनाऊँगी। आपको अगर राउंड शेप में भी बनाना है तो आप राउंड शेप में भी बना सकते हो। देखिए बनके तैयार है। अब मैं इसे एक अंडा ली थी, अंडे के अंदर थोड़ा सी सॉल्ट डाली और हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली हूँ, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसमें डालने के बाद में ये सेवई है, बारीक सेवई है, ये रशियन की सेवई मिलती है हमारे यहाँ पे। आप लोग के पास अगर ब्राउन सेवई भी होगी तो आप ब्राउन सेवई भी लगा सकते हो। मैं ये सेवई लगा के इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। देखिए रशियन पेटीज हमारे रशियन कबाब बनके तैयार है। अब मैं इसे एक एक ऐसे ही करके रखते जाऊँगी। सारे रशियन कबाब बना के ऐसे ही रख ली हूँ। और ये रशियन फिंगर
भी बना के रखी हूँ मैंने, ऐसे लंबा शेप कर देंगे। और इसमें भी क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम वैसी प्रोसेस करेंगे, इसे रशियन फिंगर बोलेंगे। अब मैं एक पैन ली हूँ, इसमें मैंने ऑयल डाल दी हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारे डीप फ्राई करके ले लूँगी। हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, पकाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसे सब पूरा अंदर से पका चुके हैं। खाली इसमें एक अंडे की कोटिंग है, इसे ही पकाना है हमें। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के हम पकाएंगे, एक तरफ से पलटा लेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका था, फिर मैंने पलटा दी थी। देखिए ये भी एक तरफ से हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसे निकाल लूँगी, जो जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं वो मैं इसे निकाल लूँगी। मैं आप लोगों को निकाल के बताती हूँ। देखिए हमें सारे ऐसे ही करना है। देखिए 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीस ली हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने केचप ली हूँ, और 1 टेबल स्पून में मैं रेड चिली सॉस ऐड कर दूँगी। ये स्पेशल चटनी है जो ये रशियन के साथ खाई जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी सारी, आप लोगों को मिक्स करके बताती हूँ। देखिए ये कितने सॉफ्ट रहते हैं अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं, और ये फिंगर्स भी देखिए सॉफ्ट रहते हैं अंदर से और ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहते हैं। एक बार मेरे अंदाज़ में ज़रूर बनाना, एकदम झटपट और ज़्यादा मेहनत के बगैर बनता है ये। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।